जो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी राणा पूजा थे, दिल्ली की सेना थी, उनको नमन करना चाहूंगा। साथियों, अपने इलाके के अंदर एक दिन हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, शाम को हालांकि व्हाट्सएप ग्रुपों में आया, अपने इसी इलाके के अंदर एक ही परिवार के 3 सदस्य प्राकृतिक बिजली गिरने से जिनकी डेथ हो गई, उनको भी नमन करना चाहूंगा। अगर हमारे पूर्व वक्ताओं ने विश्व आदिवासी दिवस के महत्व को लेके हमारे समाज में क्या विडंबना है, वर्तमान में हमारे लिए क्या संकट है, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संकट आने वाला है, वर्तमान में क्या क्या समस्या आ रही है, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, सरकार भले पूर्व की हो वर्तमान की हो, कौन हमारे लिए क्या सोच रहा है, सरकारी सिस्टम हो, राजस्व का हो या पुलिस डिपार्टमेंट का हो, किनका क्या रवैया हमारे लिए रहता है, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई। लगभग चर्चा लायक कोई विषय रहा नहीं है और एक विषय मैं कहना भूल गया कि बांसवाड़ा का नाम देश लेवल पे आपने रोशन करने का काम किया, इसके लिए आपको पुनः आया। लेकिन इस बार बांसवाड़ा के सांसद चुनाव हुआ, आज से पहला ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ था। इस बार आप सबने मिलकर ऐसा रगड़ा निकाला कि रगड़े की आवाज दिल्ली तक पहुंचने लग गई। मोदी जी को याद है बांसवाड़ा, मेरी मुलाकात हुई, देखते ही हंस गए थे। देश के अन्य सांसदों को भी याद है बांसवाड़ा, क्योंकि इस चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे लंबा भाषण कहीं हुआ था तो बांसवाड़ा में हुआ था, 45 मिनट तक, इसलिए सबको याद है। ये मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये कमाल आपने किया। आपने अपना अधिकार था, उस अधिकार को जाना, और आपका अधिकार ये था, मत अधिकार। क्या था? मत अधिकार। ये आज आदिवासी अधिकार दिवस है, उस पे अपन बाद में आएंगे, लेकिन इस पूरे देश की आम जनता के लिए एक अधिकार है, मताधिकार। लेकिन लंबे समय से इस मताधिकार को मतदान मतदान करके दान ही करवाया हर बार। हमारे अधिकार को दान कराने में इनका काम रहा और हम लोगों ने हर बार दान करने का काम किया था, और इस बार बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने अपने अधिकार का पूरा उपयोग किया और अपना मत एक शानदार जगह देके मुझे भी सांसद बनाया, उसके लिए पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। निर्वाचन आयोग हर बार जन जागरण करता है, क्या जन जागरण करता है, अधिक से अधिक मतदान करना है। सरकारें पार्टियां और विशेषकर आचार संहिता के बाद निर्वाचन आयोग जन जागरण करता है, क्या कहता है, अधिक से अधिक मतदान होना चाहिए। अधिक मतदान करने या कराने की चिंता निर्वाचन आयोग को नहीं करनी चाहिए, ये चिंता आम नागरिक को करनी चाहिए कि अपने अधिकार का उपयोग करना है। लेकिन समस्या क्या था, समस्या ये थी कि हमको किस लिए जागरूक किया, मतदान करने के लिए, क्या करने के लिए, मत का दान करने के लिए। और हमने इस लोकसभा चुनाव में कहा मत अधिकार का उपयोग करना है, तो मतदान और मत अधिकार दोनों अलग अलग अर्थ है और अलग अलग ताकत है। एक तो मतदान मतलब दान कर दो और एक अपने अधिकार मत का अधिकार का उपयोग करो। हमारे देश के लिए एक विडंबना है, बांसवाड़ा के लिए नहीं, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से, राजा रजवाड़ों से, मुगलों से, अनेक शक्तियों से लड़के इस देश को आजाद कराया। अब देश आजाद हो गया, पूरे देश की जनता ने, तात्कालीन जनता ने खुशियां मनाई कि हमारा देश आजाद हो गया,
अब आजादी के बाद इस देश में राज किसका रहेगा? तो उस समय जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने विचार किया कि इस देश के अंदर जनता का राज होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र मतलब जनता का राज। तो जनता का राज होना चाहिए तो सारी की सारी जनता सदन में, लोकसभा विधानसभा में बैठ तो सकती नहीं है। तो उन्होंने व्यवस्था बनाई, गणतांत्रिक व्यवस्था, हमारी जो व्यवस्था थी उससे, अन्य देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था से सीखा जाना। और हमारे देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई कि हर 5 साल के अंदर देश की जनता है वो अपना मत का अधिकार, मतलब अपने विवेक से, अपने दिमाग से, अपनी इच्छा से, अपने अधिकार को ध्यान में रखते हुए अच्छे नेता को वोट देके हर 5 साल में चुने, ये अधिकार जनता को दिया। तो इस देश में राज किसका रहा? जनता का राज। वो हर 5 साल में एक एमपी एमएलए को चुन के भेजती है प्रतिनिधित्व करने के लिए कि आप आपके क्षेत्र का, आपके समाज का प्रतिनिधित्व करो। तो संविधान निर्माण के वक्त ये व्यवस्था बनी कि हर 5 साल में जनता अपने मत अधिकार का उपयोग करे। फिर हुआ कि इस देश के अंदर अनेक समाज है और सबसे पीड़ित समाज, जिस समाज ने मुगलों से जोरदार लड़ाई लड़ी, राजा रजवाड़ों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और जो सबसे ज्यादा युद्ध में जाता है या सबसे ज्यादा अगर किसी से टकराता है तो वो पीड़ित होता है, कमजोर भी होता है। और इस देश के मूल मालिक होने के नाते आदिवासियों के लिए देश के संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची का प्रावधान किया। तो हमारे इलाका आज जो हम खड़े हैं, ये 5वीं अनुसूची संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत है। तो इसमें यह अधिकार दिया कि यहाँ का जो सरपंच से लगा के एमपी एमएलए तक आदिवासी बनेगा, ताकि आदिवासियों का प्रतिनिधित्व लोकसभा विधानसभा में जाके करेगा, ये प्रावधान किया। मतलब ये अधिकार दिया हमको, ये ताकत दी। लेकिन इस ताकत को हम भूल गए थे। और आपने किने ताकत आई जी? पार्टी जो वाला ने हमारे मत अधिकार या हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा हमारे समाज का सर्टिफिकेट लगा के? इस इलाके में एमपी एमएलए, ये बात जरूर है, पहले कुछ बने जरूर है, क्योंकि देश के संविधान में प्रावधान था अधिकार भी किया शासन व्यवस्था में। आज कोई भी बांधने नो आदमी आवे ना अपने एमपी एमएलए में चुनाव नहीं लड़ सके। कोई भी आदमी, कितना भी बड़ा आदमी हो, यही क्षेत्र का आदमी लड़ सकता है, ये हमारा अधिकार है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको अधिकार दिया, लेकिन इस अधिकार का आज तक हमारे समाज का दुरुपयोग किया गया। हमारे समाज के लोगों को चुनाव से 4-5 दिन पहले कुछ छोटी मोटी लालच दे देते, आपस में लड़ा देते, ममरी पेड़ खजूरों खावा पीवा में थोड़ा काल दी तू बेदारो बल्ले, और हमारा जो वोट है, हमारा अधिकार था, उस अधिकार का लाभ उन लोगों ने लेके 5 साल राज कर लेते, 5 साल बाद फिर आते, फिर वही व्यवस्था करके फिर दोबारा वोट ले लेते। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि देश की आजादी के बाद बांसवाड़ा की जनता ने पहली बार लोकतंत्र की ताकत को आजमाया और दिखा गया मोदी जी को, सारे को दिखाया कि इस क्षेत्र का आदिवासी अपने मत के अधिकार का उपयोग करना सीख गया है, ये एहसास करवाया। पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई क्योंकि आपने सबको नकार के अपने खुद के विवेक, खुद की समझ के हिसाब से वोट करने का अधिकार को मतदान के रूप में कन्वर्ट किया। साथियों, ये विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया? इस देश में विश्व ब्राह्मण दिवस है, विश्व जैन दिवस है, किसी भी अन्य समाज, अन्य समुदाय, अन्य नस्ल के लिए ये कोई अधिकार दिवस मनाते हैं? सामाजिक संगठन जरूर ST SC OBC अधिकार के रूप में मनाते हैं, लेकिन विश्व लेवल पे सिर्फ आदिवासी अधिकार दिवस क्यों मनाया जा रहा है? और ये भी अभी ही क्यों मना रहे हैं हम?
ये तो 13 सितंबर 2007 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब पूरे देशों के बुद्धिजीवी लोग जो मानवता को विश्वास करते हैं, जो लोग इंसानियत में विश्वास करते हैं और आदिवासी के हित में सोचते हैं, उन लोगों ने मिलकर विचार किया कि आदिवासियों को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है तो आदिवासियों को बचाना पड़ेगा। इसके लिए आदिवासियों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की। हमारा अधिकार को मजाक बनाया, हमने कहे संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची है और उन लोगों ने कहा 5वीं पास की बात कर रहे हैं, अपने 5वीं अनुसूची के तहत अधिकार है ये मांगा और है, लेकिन उन्होंने क्या पत्ती पढ़ाई अपने लोगों को कि आते से नवा नवा अब जाए 5वीं पास की बात करें। हमने शुरुआत में जब आईपीसी सीआरपीसी थी, अभी तो भारतीय न्याय संहिता है, लेकिन आईपीसी सीआरपीसी ने तब कहा कि देश के अंदर पेशा आयुक्त है, पेशा आयुक्त में प्रावधान है कि 2 साल तक की सजा का मामला कोई भी प्रकरण थाने में जाता है तो वो संबंधित जो थानेदार आई जो है उसको ग्राम सभा को वापस भेजना है, ग्राम सभा तय करेगी, ग्राम सभा ये तय करेगी आपसी राजीनामा हो, ये पेशा आयुक्त में प्रावधान है। 2 साल की सजा तक कोई भी गुनाह आपने किया है, आपस में रेपट मारी है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है तो वो कहीं न कहीं थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, जाएगी आएगी ग्राम सभा के पास, ये ताकत है पेशा आयुक्त में। लेकिन अरे हो के जो आदिवासियों पे आईपीसी सीआरपीसी लागू नहीं होती है ये बोल रहे हैं, ये नए वाले लोग ये बोल रहे हैं, उल्टी पट्टी पढ़ाई। इसलिए साथियों आप जो जा रहे हो थोड़ा शांति बनाए रखें, हम जिनका उद्बोधन सुनना है, हमें जो जानकारी हासिल करने गए बता रहे हैं और आप जा रहे हो इससे बड़ी मौका ऐसा नहीं, बेचारे थक गए, मैं भी समझ रहा हूँ, सुबह 10-11-12 बजे से आ गए हैं, जाना पड़ेगा वो तो। लेकिन हमारा उद्देश्य आज भाषण देना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि हमारे समाज को उसके अधिकार का पता चले कि हमारे क्या अधिकार है। विडंबना है कि काम आज शुरू हुआ, आजादी के बाद किसी ने शुरू नहीं किया, आपका आरक्षण का क्या प्रावधान है, आपके जल जंगल जमीन शेड्यूल एरिया के अंदर आदिवासी की जमीन कोई भी अन्य नहीं खरीद सकता है, खरीदता है तो भी कन्वर्ट करा के अन्य प्रयोजनार्थ के नाम से जमीन खरीदते। हमने कहा तो उन्होंने कहा उल्टा पर, हमने कहा आदिवासी इलाके के अंदर नगर परिषद असंवैधानिक है, हमने बोला आदिवासी इलाके के अंदर नगर परिषद असंवैधानिक है, क्योंकि मुझे पता है, हमारे विचारधारा के लोगों को पता है कि जिस आदिवासी इलाके में नगर पालिका आई वो इलाका जमीन विहीन, मतलब वो लोग आदिवासी जमीन विहीन हो जाते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया और हमने 6 नगर पालिका निरस्त कराने का काम किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही हमारे लोगों की। पर समस्या ये है कि पहले वाले अपर वाहन सभा गाढ़ा करी मिल जाए, एक बार भी, इसलिए मैं कई बार थोड़ा तीखा बोल लेता हूं और तीखा बोल लेता हूं कई दिक्कत हो जाती है, आज कोशिश कर रहा हूं तीखा नहीं बोले, इसी वृत्ति की गाढ़ा करी मिल जाए, विकलांग कर देता है ये बेचारा था कि बदार साली की बदार नहीं बोलूंगा आज। हमें हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक होना, और पैसा एक्ट की बात आती है, केला मेला जतपुरा उस इलाके में सच्चाई है कि पैसा एक्ट के तहत ही करवाएंगे हम लोग, लेकिन आपको साथ में रहना पड़ेगा। इस देश का आदिवासियों के अधिकार की बात करता है उस पर ये नक्सलवादी के नाम से अभी बोल रहे नहीं बोल रहे हम लोग, पूरे देश के अंदर ये स्थिति बनी हुई है कि आदिवासी जब भी जल जंगल जमीन की बात करेगा, आदिवासी संविधान, आदिवासी अपने अधिकार की बात करेगा, आदिवासी आरक्षण की बात करेगा तो वो सीधा सीधा आरोप लगाने का काम करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये अंदर स्थिति भयंकर बनी हुई है, उन लोगों ने सिर्फ हमको अधिकार की चटनी नहीं चटाते, किसकी चटनी चटाते, धर्म की चटनी। सब आवेदन के तुम्हारा आ धर्म कौन आवेदन के जो तुम्हारा आ अधिकार है के जो बड़े सारे में वाक्य कहते तुम्हारा ये धर्म कोई ये धर्म पकड़ाता है,
आदिवासियों को कुछ हिंदू बनाते, कुछ ईसाई बनाने लग गए, कई इलाकों में आदिवासी मुस्लिम भी बना हुआ, कई जगह जैन भी बना हुआ है, और सबने अपने धर्म का प्रचार करने का काम किया, किसी ने भी नहीं की। इसलिए अब ये धर्म के चक्कर में चाटना बंद कर देना है। हम कोई भी किसी को मानना है माने, कोई दिक्कत नहीं। ये देश का संविधान भी स्वतंत्र देता है कि आपको अपने हिसाब से जिसको मानना है उसको मान सकते हो। अब ये अधिकारों को जानने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हम सबको एक संकल्प लेना है। आज आप सबके दिमाग में होगा एमपी साहब और जय की बिरादरी अली जी के सामुदायिक भवन अली जी ने कहा रोड अली जी देखनी है, ये भी करेंगे, इस चिंता नहीं करो। लेकिन महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हमारे समाज को आत्मनिर्भर कैसे बनाए। और आत्मनिर्भर ऐसे ही नहीं बनेगा, खुद के पैरों पे आत्मनिर्भर हो के वाए खुद ने पोगमाते उभर थवानो। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते कि जब तक खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो तब तक शादी ने करार नहीं देता। तो उसके लिए हमें शिक्षा सबसे बड़ा जरूरी है। अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो अधिकार क्या है पता नहीं चलेगा। आज हम पढ़े लिखे नहीं होते तो शेड्यूल 5 का क्या प्रावधान है, आरक्षण का क्या प्रावधान है। आज लोग हमको कहते आरक्षण अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हमको 45% में बांट दिया, 50% ओपन रख लिया, अधिकतर भर्तियों के अंदर 50% में एक लड़का हमारा नहीं चाहता है। हम पुलिस डिपार्टमेंट की देख ले, क्योंकि पुलिस वाले साथी यहां ज्यादा है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर पिछली 6 से 7 भर्तियों का डाटा निकाला मैंने, 50% ओपन कैटेगरी है, उसमें हमारे एसटी कैटेगरी का आदमी, एससी कैटेगरी का आदमी उसको 50% में नहीं जाता है। और चला भी गया तो उसकी पदोन्नति उसी कैटेगरी में वापस करते हैं, वो सामान्य कोटे से नहीं करते हैं। ये बात हम जब करते हैं हो कई इलाकों बगड़ी की होंगे, माहौल खराब थे क्यों होंगे। हमने आरक्षण की बात करते क्या कहेंगे, माहौल खराब हो गया है। माहौल उनका खराब हो गया है जो हमारा शोषण करते आए हैं, हमारे अधिकार को हनन करते आए हैं, हमारा आरक्षण खाते आए हैं, हमारे गरीब बड़े बुजुर्गों के 5 साल में वोट लेने का काम किया है, उनको दिक्कत हो रही है। इसलिए आप सभी दिमाग में ठान लेना, ये विचारधारा हमारे समाज, हमारे क्षेत्र की जनता और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए माइनॉरिटी के भाई, एससी समुदाय के भाई, एबीसी के भाई, और इसके अलावा भी जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर क्या है मानवता है, जिसके अंदर जाति को देख के, नस्ल को देख के भेदभाव की नीति नहीं है, उस हर व्यक्ति को साथ में लेके चलने की बात करते हैं। ये लोग धर्म की बात करते हैं, लेकिन इस देश के इतिहास में क्या रहा है, इस देश के इतिहास में आजादी से पहले हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्या नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, और इसलिए कालीबाई कलासुआ को गोली मारा आजादी से। हमने कह दिया अंग्रेजों ने मारा, बिल्कुल अंग्रेजों का राज था, लेकिन वो आदेश देने वाले कौन थे उसको हम नहीं जानते। मानगढ़ में हमारे भाई ने बता दिया 1500 आदिवासी मरी गया, शहीद हो गए। किसने मारा, हम कह रहे अंग्रेजों ने मारा। अंग्रेजों ने आदेश जरूर दिया, लेकिन आदेश लिया किसने, आदेश लेने वाले आसपास के जो रजवाड़े थे उन्होंने आदेश लिया। उन्होंने कहा खेरवाड़ा में एमबीसी को भेजो, तो इस एमबीसी में आपड़े काल जाता कालजी कालजन भूल बची। कालीबाई को गोली किसने मारी, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 1947 मतलब आजादी से 2.5 महीने पहले कालीबाई को गोली मारी, किसने मारी। हमने कह दिया अंग्रेजों ने मारी, अंग्रेज 1942 में बैठ गए थे आपके देश का संविधान बना लो, तो आजादी से 2.5 महीने पहले कौन सा अंग्रेज था। हम अंग्रेजों की तरफदारी नहीं कर रहे, अंग्रेजों ने भी हमारे लोगों का शोषण किया, लेकिन अंग्रेजों के हिस्से में जितना शोषण आता है उनके हिस्से में काउंट करेंगे, दूसरे के हिस्से में जितना शोषण किया है वो आता है उनके हिस्से में, गुना भक्ति की दें थोड़ा थोड़ा, तो जिसने जितना गुना किया। और साथ ही कालीबाई को गोली मारने वाले कौन थे, तो इस बात को छोड़ देते हैं, क्योंकि देश में कानून, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों की नीति, हालांकि अंग्रेजों की भी नहीं उससे पहले की नीति थी, फूट डालो राज करो,
जंगल को काटना है तो कुल्हाड़ी में जंगल की ही लकड़ी को डालो फिर जंगल काटो, ये नीति आज भी जारी है। आदिवासियों को खत्म करना है तो आदिवासियों को आपस में लड़ाओ। उस समय मानगढ़ पे एमबीसी में सारे हमारे भील लोग थे और एक अपने इलाके में बड़ा लफड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है? भील, मीणा, रावत चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठाकर वाकर सब चल रहा है, नहीं चल रहा है। हमारे इधर के भाई रावत हैं, वो अपने आपको कहते हैं हम तो ठाकर हैं, गोत्र पूजित कहते हैं नमक और भूज है। कुछ भाई हमारे यहाँ के वो कहते हैं हम तो मीणा है, हमको कहीं नहीं गए, और खेलवाड़ा में उदयपुर वाला हूँ कहीं हम तो मीणा है, तुम तो भीलों के, हम तो डूंगरपुर वाला हूँ, आने वाला हूँ कोई मैं नहीं खबर हूँ। एक कटारा रावत है, एक कटारा भील है, एक कटारा मीणा है, और गुजरात में जो कटारा है वो राठौर बन के सिसोदिया बन के बैठा हुआ। एक ही गोत्र का आदमी मन्नालाल जी रावत कटारा है कि नहीं? आनंद खलबली था जी, आनंद देश और नाम लकड़ दी तो कटारा है, क्योंकि एसटी के अंदर रावत रावत को आरक्षण नहीं है। वो व्यक्त भी आएगा, उनकी भी मान्यता के लिए हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उनकी भी सदस्यता को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर एसटी की जो सूची है गजट नोटिफिकेशन के अनुसार रावत को एसटी में नहीं माना। हम ये नहीं कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं, तो मैंने कहा इतिहास की पृष्ठभूमि पे जाओ, अगर यहां पर मीणा थे, मीणा भी हमारे भाई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर मीणा नहीं थे, यहां पर भीली थे। अगर मीणा होते तो इतिहास के पन्नों में हम ये पढ़ते कि महाराणा प्रताप के साथ मीणा की सेना लड़ी, ये पढ़ते नहीं पढ़ते? क्या पढ़ा कहीं? हम क्या पढ़ रहे हैं? महाराणा प्रताप के साथ भीलों की सेना लड़ी, ये पढ़ रहे हैं? अगर मीणा थे तो अंग्रेजों ने मीणा कोर बटालियन बनानी चाहिए थी, भीलकोर बटालियन नहीं बनानी चाहिए थी। हमारे इलाके में भीलकोर बटालियन बनाए नहीं बनाए? अगर उस समय तत्कालीन में अगर मीणा थे तो मीणा कोर बटालियन बननी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी? बांसवाड़ा में भी बासिया सरपोटा में कहते हम बसाया, उदयपुर में उदा खरारी ने बसाया, क्योंकि हमारे लोगों को अशुद्ध कर दिया, कुछ मीणा नाम से बांट दिया, अलग बांट दिया, रावत के नाम से बांट दिया, भील के नाम से बांट दिया, उधर गुजरात में सिसोद के नाम से बांट दिया, और इसके बाद धर्म में बांट दिया, कुछ हिंदू बन के बैठ गए, कोई ईसाई बन के बैठ गए, कुछ अलग फिर बैठ के बन गए, और फिर पता नहीं कोई सस्य सस्य करके फिर कोई धर्म आ रहा है। हमारा धर्म सबसे, हालांकि हमारा जो व्यवस्था है, हमारी जो परंपरा है, वो सारे धर्मों से ऊपर है, सारे धर्मों से ऊपर है, सारे धर्मों के से पहले है। इसलिए आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी समाज है। हमारी व्यवस्था, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे कुल देवता, ये किसी से कम नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मेरी बात को सुना और मुझे आने का अवसर मिला। हमारी माता और बहनों को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। अंत में आपसे कुछ चाहूंगा मैं, हम अच्छी बात करेंगे, छोटा मोटा विकास भी कराएंगे, आपके अधिकार को लेकर भी लड़ेंगे, लेकिन आपको भी कुछ काम करना है। एक ये तय कर लो, एक टाइम खाना कम खाएंगे चलेगा, लेकिन हमको पढ़ाई अच्छी करवानी है बच्चों को, बच्चों को पढ़ाना है। स्कूल में समस्या है, कमरे नहीं है, डेस्क तो नहीं है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन असुविधाओं के बावजूद भी हमें एक संकल्प लेना है कि हमारे बच्चों को पढ़ाना है। फिजूल खर्चे ये बंद कर देना है, और ये नशे पत्ते जो विमल गुटका दारू वाला कुछ है, अगर इस पीढ़ी को बचाना है, आने वाली पीढ़ी